Hello, good afternoon to all of my students, and a very warm welcome to all of you into my YouTube channel Faisal Gulzar. ठीक है, होप आप सबने सब्सक्राइब तो किया ही होगा. और आज जो हमारा जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था, वो था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, फ्रीक्वेंसी यूज इन सेल्यूलर कंसेप्ट. और उसी को हम आगे लेक्चर थे. आज हमारे पास और एक चीज जो एडवांटेज है सेल्यूलर कम्युनिकेशन की, फ्रीक्वेंसी यूज के बाद उसको बोलते हैं हैंड ऑफ. हैंड ऑफ ठीक है, हैंड ऑफ या हैंड ओवर भी इसको बोलते हैं. तो इन आवर प्रीवियस क्लास, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था हम सेवन नंबर, एट नंबर, नाइन नंबर का एक क्लस्टर बनाते हैं. उसमें बहुत सारे सेल्स को हम जोड़ते हैं और एक क्लस्टर बनाते हैं, और बहुत सारे क्लस्टर बना के हम फ्रीक्वेंसी का यूज कर सकते हैं. एक सेल, एक वाले क्लस्टर की जो सेल है, उसको दूसरे किसी क्लस्टर के सेल की फ्रीक्वेंसी सेम रख सकते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रियूज डिस्टेंस पर, जिसको हम रियूज डिस्टेंस बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज इसकी क्या है. चलो, अब हम मैं यहां पर एक सेल बनाता हूं. ध्यान से देखिए आप, ये मेरे पास एक सेल है. सेल को हम हेक्सागोनल बनाते हैं, एक कंसेप्ट है, ऐसा जरूरी नहीं है, बस समझाने के लिए हम इसको ऐसा रखते हैं. ये मेरे पास दो सेल है, ठीक, एक सेल, सेल नंबर वन एंड सेल नंबर टू. अगर इस सेल नंबर वन में अपना एक बीटीएस होता है, आप सब जानते हो एक बीटीएस अपना, और इसका भी एक अपना बीटीएस होता है, यानी बेस स्टेशन, इसको भी अपना टावर जिसको आप बोलते हो, इसके पास भी अपना एक टावर होगा, इसके पास भी अपना एक टावर होगा, जिसको आप बेस स्टेशन बोलते हैं. ठीक है, सपोज आप में से हमारे पास कोई एक यूजर है, उसको यूजर वन, या इसको हम यहां वन से रिप्रेजेंट करेंगे. एक यूजर वन गाड़ी में है, एक व्हीकल में है, वो व्हीकल में एक रोड पर चलता है. वो एक इस वाले को, ये वाला जो बीटीएस वन है, वो इसको सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि एक बंदा यहां पर एक व्हीकल में है. अब ये व्हीकल में बात करते करते उसको वन से टू में जाना है. ये ऐसे जाता है, ये ऐसे आगे चलेगा, आगे चलेगा, और आगे चलने के बाद ये इसका नेटवर्क यूज करता है, ये इसको सर्विस प्रोवाइड करता है. अब ध्यान से देखिए, जब ये यहां से लेकर यहां जाएगा, यानी ये एक सेल से दूसरे सेल में आ जाता है. ठीक है, अब क्या होता है, जब ये एक सेल से दूसरे सेल में आ जाता है, और धीरे धीरे जब ये इस सेल में आएगा, तो इसका नेटवर्क स्ट्रांग होता जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और ये यहां से लेकर यहां चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं हैंड. इसकी कॉल कटती नहीं है, ये अपनी कन्वर्सेशन जारी रखता है, और जब ये यहां से यहां जाता है, तो इसको बोलते हैं हैंड ऑफ, या बोलते हैं हैंड ओवर. यानी ये वाली सेल, ये वाला बीटीएस अपने इस यूजर को इसको हैंड ओवर करता है. और इस वाले एडवांटेज जो है, इस एडवांटेज सेल्यूलर कंसेप्ट की, इसको बोलते हैं हैंड ओवर करना. यानी ये सिंपली प्रोवाइड करेगा, जब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो ये आराम से इसको हवाले कर देता है. और इसी तरह से जब हम एक जगह से दूसरी जगह बात करते हुए चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है जहां से हमने कॉल मिलाई, जो टावर हमें, जो बीटीएस हमें पहले सर्विस प्रोवाइड करता है, नेटवर्क देता है, उस नेटवर्क को हमेशा रहना. नहीं, जब आप बात करते करते यहां से लेकर यहां जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली हैंड ऑफ करना, हैंड ओवर करता है, यहां इस सेल से इस सेल. ठीक है, सिंपली इसको बोलते हैं हैंड ऑफ करना या हैंड ओवर करना, और हमारी कॉल नहीं कटती है. अब ध्यान से देखो, इस हैंड ऑफ के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं. एक होता है हमारे पास हॉट हैंड ऑफ, हॉट हैंड ऑफ, और दूसरा हमारे पास होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ. ठीक है, कौन कौन सा, हॉट हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ. और इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, हॉट हैंड ऑफ क्या होता है. सपोज हमारे पास एक सेल है, इसको मैं सर्कुलर यहां पर बनाऊंगा, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरी सेल है, ऐसे करके ये सेल है.
इसमें भी अपना एक बीटीएस है, इसमें भी अपना एक बीटीएस है। अब देखो, एक यूजर यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां, जब यूजर वन इस वाले नेट इसमें चला जाएगा टू में, अब क्या होता है, जब ये यहां पहुंचता है तो इस वाला ये जो नेटवर्क वन होता है, ये जो टावर वन होता है, ये इसको अपनी सर्विस से ब्रेक कर देता है, यानी इसका नेटवर्क टूट जाता है पर मिली सेकेंड्स। कभी कभार आप लोग आप ये कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में, सर हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा, इट इज अ मिली सेकेंड्स लगते हैं इसको, लेकिन ऐसा कभी बीप जैसा प्रोड्यूस होता है। इस वाले हार्ड हैंड ऑफ को बोलते हैं ब्रेक बिफोर मेक, इससे आपको पता चलेगा। ब्रेक मतलब इस वाले नेटवर्क से कनेक्शन को ब्रेक कर दो, इस वाले नेटवर्क से जो नेटवर्क इसको मिल रहा था वो पहले ब्रेक हो जाता है, उसके बाद में इसके ब्रेक होने से इसका मेक हो जाता है। इस वाले हैंड ऑफ को बोलते हैं हार्ड हैंड ऑफ। सिंपल याद रखिए, जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में चले जाते हैं तो पहले नेटवर्क हमारा डिस्कनेक्शन में आ जाता है, वो हमारी कॉल को नहीं, वो नेटवर्क से ट्रंक का खत्म कर देता है वो, जब तक ये, उसके बाद में ये अपनी नेटवर्क हमें देता है, पहले इस नेटवर्क को हमें खत्म करना पड़ेगा, और ये मिली सेकेंड्स में होता है, और इसको बोलते हैं हार्ड हैंड ऑफ। सिंपल, हैंड ऑफ हैंड ओवर करना, एक को दूसरे को भी देना, दूसरे को तीसरे को देना, ऐसा करके हैंड ओवर करना, इसको बोलते हैं हैंड ओवर और हैंड ऑफ। नाउ नेक्स्ट इज अवर सॉफ्ट हैंड ऑफ। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ में हमारे पास मान लो बिल्कुल वही दो सेल हैं, ऐसे करके ये सेल ए है, ये सेल बी है, और जब यहां पर एक कस्टमर, एक मोबाइल यूजर यहां से यहां जाता है, तो यहां ब्रेक बिफोर मेक नहीं होता, यहां होता है मेक बिफोर ब्रेक। ये हमारे पास यहां कंडीशन होती है, क्या, मेक बिफोर ब्रेक, यानी ये सेल पहले कनेक्शन बना देता है, उसके बाद में ये कनेक्शन यहां से टूट जाता है, और हम मोस्टली इसको यूज करते हैं आजकल, आजकल के सेल्यूलर वर्ल्ड में हम इसको यूज करते हैं। दोनों में क्या फर्क है, पहले ब्रेक कर दो फिर इसके साथ मेक कर दो, और दूसरे में क्या है, पहले मेक कर दो फिर ब्रेक कर दो, इसको बोलते हैं सॉफ्ट हैंड ऑफ। दिस इज हैंड ऑफ, हैंड ओवर करना, और इस हैंड ऑफ के दो टाइप्स हैं, एक हार्ड हैंड ऑफ, एक सॉफ्ट हैंड ऑफ। इस तरह से सेल्यूलर कम्युनिकेशन में, सेल्यूलर कंसेप्ट में, पहला फ्रीक्वेंसी रियूज, दूसरा मैंने आपको बता दिया हैंड ऑफ। इससे अभी आगे भी आएगी, सेल स्प्लिटिंग आएगा, सेल सेक्टोरिंग आएगा, इसके सारे कंसेप्ट को हम, इसके सारे एडवांटेजेस को हम एक एक करके नोट करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।